गाइज, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। होप आप सभी स्वस्थ होंगे और आशा करती हूँ आगे भी आप स्वस्थ रहे। सबसे पहले तो सुबह की राम राम आप सभी को। आप सभी का दिन शुभ मंगलमय हो और मैं बाबा केदार भद्र से आप सभी के स्वस्थ रहने की कामना करती हूँ। तो दोस्तों, अभी सुबह के बज रहे हैं 7:30 और मैं फ़िलहाल तो मतलब सुबह सबसे पहले उठ के मतलब मैंने फ्रेश होके अपना नाश्ता वगैरह बनाया। आज करेले की सब्जी है और रात की पत्ता गोभी की सब्जी विद रोटी। तो मैंने अभी खाना पीना बना के अपना ऑफिस के लिए मैं रेडी भी हो चुकी हूँ और आप मुझे देख सकते हैं। तो मैंने आज रानी कलर की कुर्ती पहनी है, तो ये भी मैंने दिल्ली से ख़रीदी थी। तो फिर तो दोस्तों, अभी फ़िलहाल तो मैं हूँ ऑफिस के लिए तैयार और मम्मी जी जा रखी है गौशाला और मिस्टर जी जा रखे हैं प्रिंस को छोड़ने के लिए स्कूल। तो दोस्तों, जैसा कि कुछ दिनों से मतलब मैंने ज़्यादा अपने ब्लॉग में आप सभी को बताया नहीं, ज़्यादा मैंने इंट्रो करवाया नहीं मिस्टर जी से, तो मिस्टर जी मतलब उनको भी शर्म आ रही है, वो बोल रहे कि ज़्यादा मुझे व्लॉग में बताओ नहीं। लेकिन फिर भी मैं उनको व्लॉग में बताती हूँ और आपको भी आगे बताते रहूँगी व्लॉग में। तो दोस्तों, मैं आप सभी को कुछ दिखाना चाहती हूँ। सबसे पहले मिस्टर जी मेरे लिए कुछ तोहफे लाए हैं और इतने सुंदर सुंदर, मतलब कश्मीर से जहाँ पे इनकी पोस्टिंग है, और वो मेरे लिए गिफ्ट लेके आए हैं। बल्कि उन्होंने मुझे बताया भी नहीं था दिल्ली में, तो सीधा उन्होंने मेरे को घर आके बताया कि मैंने तेरे लिए ये सब चीज़ें ला रखी है। तो मैं आप सभी को बताती हूँ, तो वो मेरे लिए सूट लेके आए और मैं आपको दिखाती हूँ कितने प्यारे प्यारे सूट है। तो ये मेरे लिए कश्मीर से 2 पश्मीना सूट लेके आए और एक पोंचो लेके आए जो इनको बहुत पसंद आई। इन्होंने कहा कि तुम्हारे ऊपर बहुत ही सुंदर लगेगा, मतलब विंटर के, एक तो विंटर के लिए पश्मीना सूट एक वेलमेट में है और दूसरी मतलब कॉटन में है। मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे कैसे लेके आए। तो ये देखो, ये तीनों ड्रेस, चारों ड्रेस मतलब ये तुम मैं दिल्ली से लेके आई। देन ये रही पश्मीना सूट और ये कॉटन में है और इसका बहुत ही सुंदर दुपट्टा है। ये पूरा वर्क है इसमें, ये आप देख सकते हो। तो इन्होंने बोला कि इनको तो पहले तो पता था कि मेरे पे पिंक सूट अच्छी लगती है, तो ये वाला है। नीचे तक इसकी कढ़ाई है और पूरा पिंक है। देन इसके बाद ये वाले सूट, ये पूरी वेलमेट में है ये कपड़ा, और ये देखो कितना सुंदर है। मुझे तो बहुत ही सुंदर लगी ये सूट, पश्मीना सूट पता नहीं ये बोल रहे थे। और ये इसका सलवार है, ये बहुत ही सुंदर है। और जो ये कपड़ा है, ये आप देख सकते हो ये वेलवेट में है, और जो ये कपड़ा है ये हल्का सा मेरे पे लूज हो रहा है, मतलब लूज़ हो रहा है, तो मैं इसको स्टिचिंग नहीं कराऊंगी क्योंकि इसके साइड में, ये आप देख सकते हो साइड में इसका ये जेब बनी हुई है। बाकी मैं इसकी बाजू की इसको मैं वो करवाऊँगी स्टिचिंग। और मैं आपको पोंचो दिखाती हूँ, इतना सुंदर है ये। देखो दोस्तों, ये कितना सुंदर है पोंचो, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। पूरा इसमें वर्क है, मतलब ये देखो, पता नहीं इनको क्या पसंद, मतलब इन्होंने बोला कि कुछ डिफरेंट होना चाहिए तुम्हारे पास, तो ये लेके आए इसमें गले में डालने के लिए। अंदर से कोई भी आप टॉप डालो। और ये देखो कितना प्यारा इसमें पूरा वर्क है, इसमें बहुत ही सुंदर है। और दोस्तों ये देखो, ये मैं ब्लैक में लेके आई थी, मेरे पास ब्लैक कलर नहीं था। हालांकि मैंने सबकी डांट सुनी कि तुम ब्लैक में क्यों लेके आए शादी के बाद, मम्मी मिस्टर जी भी बोल रहे थे कि ब्लैक में नहीं लेना था, बट मुझे बहुत पसंद आया क्योंकि इसमें पूरा वर्क है और मतलब क्या बोलते हैं उसको, बहुत ही सुंदर है। ये देखो पूरा इसमें दुपट्टे में भी वर्क है और पूरा इसमें भी नीचे ऊपर से लेके नीचे तक वर्क है। तो ये सूट मुझे बहुत ही सुंदर पसंद आई थी, तो मैंने कहा कुछ यूनिक कपड़े भी होने चाहिए, तो मैं ब्लैक में लेके आए। मम्मी ने भी मना किया और मिस्टर जी ने भी। हाँ तो ये आ चुके हैं यहाँ पे, ये आप देखो। तुम तैयार हो गए? हाँ, मैं तो हेलो। सो गाइस, अभी हम जा रहे हैं ड्यूटी, तो अभी हाई मोटा जवाड़ी पहुंचने वाला है अभी, अभी चलते हैं। और ये रहा हमारा रुद्रप्रयाग, और
ऑफिस यहाँ पे 9 बजे पहुँच गई थी, तो अभी मैं थोड़ा बिजी हूँ। फिर आप सभी को शाम को मिलती हूँ, जब मैं यहाँ से घर जाने लगूँगी अपने ससुराल, तो फिर आप सभी से मिलते हैं। तो दोस्तों अभी मैं घर पे आ चुकी हूँ लंच करने के लिए ऑफिस से। मम्मी मम्मी ने खाना बना रखा है, और आप यहाँ पे किट्टू को देख सकते हो, मज़े से खुद को नहला रही है। और गाइस अभी आप देख सकते हो कितनी मोटी बारिश आ रही है, और मुझे ससुराल भी जाना है, तो स्कूटी में कैसे जाएंगे आज? आई होप ये बारिश बंद हो जाए। ओ ना तो आराम से, वाओ कितना सुंदर है। चलो तो दोस्तों अभी हम इस पार्क में आए, ये अभी कुछ दिन पहले ही बना है, आप सभी ने शॉर्ट वीडियो में देखा होगा यूट्यूब पे, यहाँ की काफ़ी सारी वीडियोस वायरल हुई थी, तो सोचा आज हम चलते हैं ऑफिस के बाद। चलो आप भी अच्छे आ रहे हो। ये स्टेज है, आई लव रुद्रप्रयाग, तो ये हमारे रुद्रप्रयाग की निशानी है। और ये कितने सुंदर लोकेशन, यहाँ पे पार्क बनाया है छोटे बच्चों के लिए, और ये यहाँ पे जिम टाइप का है सबके लिए, बहुत अच्छा बनाया है। फाइनली दोस्तों हम अभी आ चुके हैं अपने रूम में, अपने घर पे पहुंच गए हैं, और अभी थोड़ी देर पहले हम पार्क में भी जा रखे थे, तो वहाँ पे भी हमें काफ़ी सारा मज़ा आया, घूमे फ़ोटो फ़ोटो खिंचवाई, तो आप सभी भी देख रहे होंगे उसको। शाम की शुभ संध्या आप सभी को, और शाम की बज रही है 8। तो फिर दोस्तों आज के ब्लॉग में आप सभी से लेते हैं विदा, और कल पुनः आप सभी से मिलेंगे। और दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, साथ में शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। तो आप मेरे चैनल को ढेर सारा प्यार दीजिए, अपना ढेर सारा प्यार मेरे चैनल को दीजिएगा। तो दोस्तों आप सभी से कल मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, बाय, टेक केयर, गुड नाइट।